हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। यह है हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र, जहां पर हम आपको बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है। और आजकल तो नवरात्र शुरू हो गए हैं और ऐसे में हमारा ये कार्यक्रम जो है और भी खास बनता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको हम मिलवाते हैं डॉक्टर नारायण से, जो कि आपके हर सवालों का जवाब देंगे। नमो नारायण जी। नमो नारायण जी। जी हाँ, तो नवरात्रों के पावन बेला कल से आगाज हो चुका है और देश के हर हिस्से के मंदिर में माता रानी के जयकारे भी गूंजने लगे हैं। कल माता शैलपुत्र की आराधना के बाद आज हम दूसरे नवरात्रे की देवी यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ देवी ब्रह्मचारिणी। ये देवी शांत स्वभाव की हैं और हमेशा तप में लीन मुद्रा में रहती हैं। इनके मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवऋषि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया था, जिसके फल स्वरूप ये देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना करते हैं, उन्हें इस देवी की पूजा से सहज ये सब प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मचारिणी का आज दिन है यानी कि तपो की देवी का दिन है और इस दिन जो भक्तों के अंदर मन भाव में जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं उमड़ कर बाहर आ रही है। डॉक्टर नारायण हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास आज रहता है ब्रह्मचारिणी माँ के दिन। नमो नारायण जी। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, आप सभी का स्वागत है नवरात्रि के आज दूसरे दिन, और माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आप सबका कल्याण हो, आप सबके लिए शुभकामनाएं। मित्रों, आज आपको बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और उनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। उसके पश्चात आपको बताएंगे आज विद्यार्थियों के लिए विशेष क्या है और जिनकी प्रमोशन में रुकावटें आ रही हैं उनके लिए विशेष क्या है। उसके पश्चात घर में बरकत और रूपवान बनने के लिए भी आज आपको उपाय बताएंगे। आज के पूरे प्रोग्राम को दोस्तों पूरा मन लगा के देखिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की। आज द्वितीय नवरात्र में ब्रह्मचारिणी माँ, जिनके दाहिने हाथ में गुलाब का कमल का फूल है और बाएं हाथ में उन्होंने कमंडलू लिया हुआ, बहुत सुंदर गौर वर्ण स्वरूप है जिनका, जो कि भगवान ब्रह्म, ब्रह्म जिनका, ब्रह्म जो बहुत कठिन तपस्या करने वाले होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा तपस्या करने वाले थे उनको नाम दिया जाता है ब्रह्म। ब्रह्मचारिणी जो तपस्या, जो ब्रह्म को पालने वाली हो, जो ब्रह्म को चरने वाली हो, जो ब्रह्म से जुड़ी हुई हो,
जो तपस्या ही तपस्या करती हो उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। एक बार माँ ब्रह्मचारिणी बचपन में, इनका नाम था हेमावती, हिमालय की पुत्री थी, इन्होंने बचपन में एक बार खेलते खेलते क्या हुआ, अचानक से नारद मुनि इनके पास आए और आकर के कहने लगे कि आपका विवाह एक साधु से होगा जो बिल्कुल नंग मलंग एकदम जंगल में रहने वाले और अजीब से दिखने वाले इंसान से होगा और ऐसे 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 जिनका नाम भगवान शंकर होगा। भगवान शंकर के बारे में नारद जी ने कुछ बताया। ब्रह्मचारिणी जी के मन में, हेमावती जी के मन में ऐसी मन में बैठ गई बाल्यावस्था में कि मेरा विवाह तो वहीं होगा, तो माता कहने लगी मैंने उनको ही पाना है और जंगल में चलेगी तपस्या करने। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। दोस्तों आज नारायण जी, आज ब्रह्मचारिणी जी का दिन है और उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और आज का वो दिन है आलस्य को, अहंकार को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा दिन है। अगर आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, झगड़ा है, आपको बहुत ज्यादा अहंकार है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, आज आप उन समस्याओं को दूर करिएगा। आज सदाचार का दिन है, संयम का दिन है। ब्रह्मचारिणी हमें संयम और सदाचार सिखाती हैं, उस चीज का संदेश देती हैं। दोस्तों बात करेंगे आज जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा है और जो चाहते हैं कि वो कंपटीशन में सक्सेस हो, सफल हो, उनके लिए दोस्तों मैं कहूंगा कि आज वो एक हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे अपने कमरे में। जिस स्टडी टेबल पर वो पढ़ते हैं, स्टडी टेबल के ऊपर हल्दी लीजिए और हल्दी के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाइएगा। थोड़ा दूध मिलाने के पश्चात उसको लेप बना करके पूरा स्वास्तिक, जिसको गणेश बोलते हैं, गणेश अपने आप टेबल पे बनाइएगा या आप अपने कमरे के अंदर पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा की दीवार पर एक स्वास्तिक बनाएं। अगर आप ऐसा आज करते हैं, ईश्वरीय कृपा से, माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से, आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दूसरा हम कहेंगे जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही, प्रमोशन रुकी हुई है, तो आज आप नारायण उपाय कर लीजिएगा। आज नवरात्रि का वो बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं। अगर प्रमोशन आपकी रुकी हुई है, करना क्या है, आज आपने दो नारियल लेने हैं और दोनों नारियल को आपने क्या करना है, माँ भगवती के चरणों में मंदिर में जाकर के सच्चे मन से चढ़ा के आना है कि हे माँ भगवती, मेरी फला फला काम के लिए प्रमोशन रुकी हुई है, ये जरा कृपा कर दीजिए। आज सच्चे मन से नारियल चढ़ाइए, फिर देखिए चमत्कार। जी जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो माँ है वो सभी की मुरादें पूरी करेंगे। इसी के साथ हमारी कॉलर आपसे बात करना चाहती है, शकुंतला हमारे साथ जुड़ चुकी है। शकुंतला जी क्या कहना चाहती है आप, क्या आपके मन में सवाल है? जय श्री राधे। नमो नारायण जी। जय श्री राधे जी। पंडित जी पहले तो आप प्रोग्राम पर आए हो ना टीवी, बड़ा अच्छा लगा दोबारा से जी। धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो गुरु जी मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है, बड़ी परेशान हो गुरु जी मैं, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर। नाम बताइए। 90। हाँ जी 28 अक्टूबर। उनका नाम बताइए। नाम गौरव है। 28 अक्टूबर 88। समय गुरु जी पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने कुंडली में किसी पंडित जी ने निकाला है 12:20 का निकाला, तो दोपहर का 12:20 दोपहर का। जन्म स्थान? हाँ जी जन्म स्थान करनाल है गुरु जी उसका। करनाल है, बहुत अच्छा। क्या जानना चाहेंगे आप इनके लिए गुरु जी? एक तो इसकी शादी का बताओ, शादी कब होगी, लड़की कैसी मिलेगी, दूसरा गुरु जी का करियर कैसा रहेगा? देखिए धनु लगन की कुंडली है, पहली बात तो आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ दीजिए। धनु लगन की कुंडली आ गई, लगन में शनि है, आप पहला तो सबसे पहला उपाय क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला जी सबसे पहला काम आपने करना है नेगेटिव एनर्जी छोड़ दीजिए कि ये बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, जो बार बार नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कब कामयाब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाले वर्ड दिमाग से निकाल दो। क्योंकि धनु लगन की कुंडली है, 10वें घर में बुध शुक्र का योग, बच्चा सब कुछ ठीक है, एकदम अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा भविष्य में, कोई बुरा नहीं है।
वैवाहिक जीवन की बात करें तो ऐसे बच्चों का अफेयर होकर के टूट जाता है, लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन वो फिर कुल मिलाकर होती अरेंज मैरिज है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा चल रही है तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन का कोई चिंता की बात नहीं है। फिर लगता है फिर उपाय बताओ, उपाय करो। हाँ जी, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। हाँ बता रहे हैं आपको, फरवरी 2019 तक क्या है, गुरु में शनि की दशा है, आप सिर्फ फरवरी 2019 तक वेट कीजिए। इसके बाद देखिए जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा है, करियर बड़ा अच्छा है, कामयाब हो जाएगा और कुल मिलाकर के बिजनेस में जाएगा, नौकरी नहीं कर पाएंगे शायद ये, बाकी प्रभु इच्छा माँ भगवती की इच्छा। गुरुजी आप करनाल भी आओ एक बार। हाँ जी हाँ, करनाल आएंगे जरूर जरूर जरूर, जल्दी आएंगे, आपको बताएंगे। कल्याण हो। तो हमारे साथ शकुंतला ज्योति कॉलर जुड़ती, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानियां रहती है और उनका एक कारण ये भी रहता है कि नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव जो नकारात्मक विचार होते हैं उनके दिमाग में चलते आते हैं, उनका कितना असर हमारे जीवन पर पड़ता है और नवरात्रों में इनका क्या कुछ महत्व है? देखिये मित्रों, नवरात्र, दीपिका जी बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया, जो नवरात्रि के अंदर सबसे पहला काम होता है हमारी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को निकालना। नवरात्रि 9 दिन की 9 रातें, ये 9 दिन ये ऐसे विशेष हैं दोस्तों, अगर आपके मन में नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपके दिल दिमाग में, घर में, परिवार में बुरी चीजें हैं, तो ये 9 दिन आपके लिए पास ऐसे स्पेशल डेज हैं, पूरी बॉडी पूरा ब्रेन आपका क्लीन कर लीजिए। जैसे कि जब हम साबुन लगा करके नहाते हैं अपना मैल धोने के लिए, ये 9 दिन दोस्तों जो मन का मैल है, जो अंदर की बुरी चीजें हैं, उनको खत्म करने के लिए बड़े जबरदस्त हैं। ये जो 9 डेज है, यहाँ पर रोज माँ भगवती की आराधना करें, आप आराधना के साथ साथ मेडिटेशन करें, रोज सुबह शाम माँ भगवती की देसी घी से ज्योत बत्ती जलाएं, रोज घर के अंदर हो सके तो व्रत करें, और व्रत अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, कम से कम एक समय का खाना आप छोड़ दीजिए, एक समय का खाना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से आप 9 दिन के अंदर आप अपनी जो बॉडी की नेगेटिव एनर्जी है उसको आप खत्म कर लेंगे और इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, नेगेटिव एनर्जी घरों में ना बहुत ज्यादातर लेडीज में बहुत ज्यादा देखते हैं कि लेडीज में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? पति की वजह से कोई परेशानी होगी, पति घर से बाइक लेके गए, गाड़ी लेके गए, कहीं लग ना जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बच्चा बाहर गया, बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो जाए, ऐसे बुरे बुरे विचार ज्यादातर चलते हैं। जी बिल्कुल, तो बुरे बुरे विचारों के कारण से आपने जो नेगेटिव विचार है वो हमारे मन में आते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा साइंस में भी प्रूफ हो चुका है कि अगर आपके मन में नेगेटिव विचार होते हैं तो वो जरूर काम करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी अगली कॉलर के पास चलेंगे। सुनीता हमारे साथ इस वक्त कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सुनीता खबरें अभी तक पर। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं अपने बेटे बारे पूछना चाहती हूँ जी। जी नमो नारायण जी। सुनीता जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ समय बताएं। 28 सितंबर 1997। 28 सितंबर 1997। हाँ जी। समय बताएं। हाँ जी, सुबह सुबह 7:47। 7:45 सुबह, जन्म स्थान 47 जी। 7:45। हाँ जी, 47। 47 जी। हाँ जी। जन्म स्थान पानीपत जी। क्या जानना चाहेंगे आप इनके लिए? देखिए मगा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र है, थोड़े बच्चे जिद्दी होते हैं, कई बार थोड़ा बहुत ट्रैक ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये लोग सबसे अच्छी बात है जिद्दी होते हैं, और जिद्दी लोग क्या करते हैं, कामयाब ज्यादा होते हैं, बल्कि वो टारगेट बनाते हैं, वो काम करके हटते हैं। और इस बच्चे की कुंडली में 12 घर का सूर्य, चश्मा लगा कि नहीं लगा अभी तक? हाँ जी चश्मा लगा हुआ। लग गया ना, बस ठीक है, 12वां सूर्य आ गया, सेकंड का चंद्र आ गया, इनमें चश्मा देखने को मिलता ही मिलता है। दूसरी बात ये कि बुध, राहु और चंद्र तीनों ग्रह 11वें घर में है। थोड़ा सा बस क्या है कि इस बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत है, इस बच्चे को आप पुशअप करें, ये तो बच्चा बड़ा राइज करने वाला बच्चा है, इसका क्या मुकाबला। अगस्त 2019 के बाद देखिएगा, शुक्र में शनि जब निकल जाएंगे और जैसे ही शनि के बाद बुध की अंतरदशा आएगी, अगस्त 2019 के बाद ये बच्चा बड़ा राइज करेगा, बहुत नेम फेम कमाएगा और बड़ी अच्छी पढ़ाई में बहुत अच्छा जाएगा, और ज़्यादातर चांसेस अगर और गहराई में देखें तो कामयाब है बिल्कुल, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें, मोरपंख सिरहाने की तरफ रख दीजिए और कोई उपाय नहीं है। ये बाहर जाना चाहता है? विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल कामयाबी मिल जाएगी, 100% एफर्ट्स करें, प्रयास करें, मेहनत करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। नारायण।
तो इसी के साथ अगले दर्शक भी, जो अगली कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका इनका नाम है। प्रियंका जी, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। आप क्या पूछना चाहेंगी? हेलो पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रियंका जी, नमो नारायण। पांडे जी, पांडे जी, मेरा एक बच्चा है, वो हमेशा परेशान रहता है जी। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों होता है ऐसा? नाम बताएं बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ समय बताएं। अच्छा, उसका नाम अखिलेश है जी। 7 जनवरी 2017। 7 जनवरी 1983 जी। 83 समय बताएं जी। जन्म का समय बताएं देवी जी। अच्छा, जन्म का समय 9:55 पे सुबह AM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मतलब उत्तराखंड। ठीक है, देखिए कुंभ लगन की कुंडली है और 12 घर में बुध मंगल शुक्र, ये थोड़ा सा इस बच्चे का ध्यान रखिएगा, कोई नशे में शराब में गलत चीजों में ना चला जाए। बाकी कोई वहम की बात नहीं है, ठीक रहेगा। 10वें घर में बृहस्पति है, भाग्य घर में शनि चंद्र, विष योग बनता है कुंडली में। एक काम कीजिएगा, पीपल के पेड़ में कभी कभी दूध चढ़ाया करें सोमवार के दिन। और अभी वर्तमान में महादशा जो चल रही है शनि की है, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के एक नारियल चढ़ाइएगा भगवान शनि देव को। और अभी 9 दिन नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के अंदर आप माँ भगवती की पूजा रोज इस बच्चे के हाथ से कराएं और स्वयं भी करें, जरूर कल्याण हो जाएगा और बच्चा एकदम सही रास्ते पे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा है कि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। इसके साथ अगले कॉलर से आपको हम रूबरू करवाते हैं। अगले कॉलर हैं राम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं। जी राम ठाकुर जी, श्याम ठाकुर जी, आपकी क्या कुछ इस पर क्या आप कहना चाहेंगे और क्या आपके सवाल प्रश्न रहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार, नमो नारायण जी। सर, बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उनका नाम? शैली शैलजा। हाँ जी, शैली शैलजा जी। डेट ऑफ बर्थ समय बताएं जल्दी से। ये इसका जी सुबह 7:30 बजे टाइम है इसका, 9/1/2004। 9/1/2004, 7:30 बजे सुबह। और जन्म स्थान? आलनी सर। हाँ जी, आलनी। ये कहाँ पे, हिमाचल में है? यस सर। ठीक है, क्या जानना चाहेंगे आप इनके लिए? इसका भविष्य सर। भविष्य में प्रश्न बताएं ठाकुर साहब। ये सर को IAS IPS डालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, पहली बात तो आप अपना एक जगह पर ध्यान बढ़ाइए, क्योंकि 7वें घर में शनि है, लगन में सूर्य, ये बच्चा बिल्कुल कामयाब हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। धनु लगन की कुंडली में लगन में सूर्य है, बुध के साथ बुधादित्य योग। अब कुंडली तो बड़ी शानदार है, मतलब कुंडली में कोई कमी नहीं है, और इस बच्चे को अगर आप बिल्कुल एक तरफ कर देंगे कि बेटा IAS ही बनना है, प्रशासनिक सेवा अधिकारी ही बनना है, एक तरफ दिमाग लगाइए ना कि फिर IPS की तरफ, इस बच्चे को एडमिन की किसी भी पोस्ट के लिए एफर्ट्स करें, प्रयास करें। हालांकि चौथा मंगल पुलिस में जाना चाहे उसमें भी कामयाबी है, लेकिन एक टारगेट बना लीजिए मित्र, ये बच्ची सच्चे कह रहा हूँ कामयाब हो जाएगी। दूसरी बात, इस बच्चे की कुंडली में बुध की महादशा चल रही 2029 तक, बुध के अंदर राइट नाउ फरवरी 2019 तक शुक्र, फरवरी 2019 तक थोड़ा बहुत ध्यान बढ़ सकता है इधर उधर, लेकिन इसके बाद सूर्य फिर चंद्र फिर मंगल, बहुत शानदार टाइम आ रहा है 2022 तक, 2024 तक गोल्डन टाइम है। तो तैयारी करवाएं, कामयाबी मिलेगी। उपाय के तौर पे मोरपंख अपने पास रखें और गणेश महाराज को हर बुधवार हरी घास उनके सामने चढ़ा करके प्रार्थना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम ठाकुर। इसी के साथ अगले कॉलर के पास हम चलेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से राहुल गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी राहुल गुप्ता, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। आप जो भी जानना चाहते हैं पूछ लीजिए। हाँ जी, नमो नारायण जी। आप थोड़ा टीवी की आवाज कम कीजिए नारायण जी। सुन पा रहे हैं नारायण जी? नमस्कार जी। नमस्कार राहुल जी, टीवी के वॉल्यूम कम करके डायरेक्ट बात कीजिए और जल्दी से बात कीजिए प्लीज। हाँ जी, आप फोन पे बात कर रहे हैं या टीवी पे? चलिए नेक्स्ट कॉलर तो चलिए इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दर्शकों से ये अनुरोध भी रहेगा कि वो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। और इसी के साथ अगले कॉलर के पास हम चलते हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी क्या जानना चाहेंगे आप?
तो दर्शकों से एक बार फिर से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले ताकि किसी भी प्रकार के वाद संवाद में हमारे साथ उन्हें किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीरेंद्र सिंह, आशा करते हूँ कि आपने अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया होगा। और सुरेंद्र सिंह ने, अगर आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया है तो आप हमारे जो डॉक्टर नारायण यहाँ पंडित जी बैठे हैं उनसे अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हाँ नारायण जी, नाम बताएं अपना। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ समय बताएं जल्दी से। बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसकी है जी 1997 जी 27 फरवरी 1997। हाँ जी। समय 1997। जन्म का टाइम बताएं मित्र। 4 बजे। 4 बजे सुबह। हाँ जी। सुबह का समय है। हाँ जी ठीक है। देखिए, एक तो धनु लगन की कुंडली है, क्या जानना चाहेंगे आप इनके लिए? ये चिड़चिड़ी रहती है जी, इसको कभी नौकरी कब मिली? नौकरी का जी, मंगल राहु 10वें घर में कुंडली में, एक तो इस बच्ची की कुंडली में मंगल और राहु का जो योग है और लगन में चौथे घर में शनि और केतु, ये तो मोर के पंख इनके सिराने की तरफ हमेशा रखें और अपने पास में रखें, हमेशा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए क्योंकि काल सर्प योग बनता है। दूसरी बात, धनु लगन की कुंडली आ गई, कोई घबराने की बात नहीं। सेकंड घर का बृहस्पति है, बहुत अच्छा है। तीसरे घर में सूर्य बुध शुक्र बहुत अच्छे हैं। तो अभी थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, हो सके तो वो करवाइए, जल्दी ठीक हो जाए। नज़र उतार दीजिएगा। नज़र किन से उतारनी? नींबू से नज़र उतारिएगा। अगर आप नींबू से नज़र उतार देंगे, एक नींबू लीजिए, सिर के ऊपर से 18 बार उल्टा घुमा करके उसे काट कर डस्टबिन में फेंक दीजिए। ये उपाय आप 3 दिन लगातार कीजिए, एकदम बच्चा ठीक हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे स्टार है इस बच्चे के, कल्याण हो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से आज नवरात्रि का दूसरा दिन और भक्तों के मन में जो श्रद्धा भाव है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो आज भी आस्था में यकीन रखते हैं, आज भी अपने देवी देवताओं में यकीन रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर कॉल किया, अपनी जो समस्या है उनका हल जाना। फिलहाल के लिए भाग्य चक्र में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।